हेलो दोस्तों, आज मैं जो है शुगर में खाने वाली शुगर के मरीजों को खाने वाली रोटी बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस रोटी को खाने से शुगर जो है नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, यह आटा हमने जो है पतंजलि का लिया है। देखिए दोस्तों, ये जो है डायबिटिक केयर आटा, देखिए दोस्तों डायबिटिक केयर आटा 1 किलो का है, ये पतंजलि का है। ये देखिए दोस्तों, ये मूल्य है इसका 1 केजी का है दोस्तों, 90 रुपये का है ये। इसको मैंने छान लिया है। एक देखिए छोटी सी रोटी मैं बना लिया हूँ दोस्तों, हाथ से ये बनती है। इसको जो है मैं तावा जो है गर्म हो चुका है, मैं इसको डाल दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रोटी में पलट दिया हूँ। आँच तेज़ होने के कारण थोड़ी सी जल गई है, उससे कोई बात नहीं है, इसको धीमी आँच पे हमको सेंकना है दोस्तों। ये देखिए, एक रोटी मैंने तैयार कर लिया है। देखिए दोस्तों, इस रोटी को धीमी आँच पर सेंकना है, इसको धीमी आंच पर सेंकना है, आंच तेज़ नहीं करनी है दोस्तों। और यह आटा जो है इसका गलामी इंडेक्स जो है बहुत कम है, इस नाते यह आटा जो है इसकी रोटी जो है शुगर को बहुत धीरे धीरे बढ़ाती है दूसरे अनाजों के वनस्पत। इसमें कई अनाज मिले हुए हैं दोस्तों, शुगर के मरीजों को खाने के लिए यह बेहतरीन रोटी है। देखिए दोस्तों, ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ी जल गई है, कोई बात नहीं, लेकिन कच्ची न हो, रोटी जल गई ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं धीरे धीरे आँच पे पकाया हूँ दोस्तों। रोटी पूरी तैयार हो गई है।